भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने सर्किट हाउस सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की और गोंड नायक समाज सहित अन्य जनजाति समाज के लोगों की समस्याओं को सुना और उसके निस्तारण के आश्वासन दिए। अनुसुईया उइके ने कहा कि कुशीनगर, संत कबीर नगर, चंदौली और संत रविदास नगर सहित प्रदेश के 4 ऐसे ज़िले हैं जहां गोंड जाति के लोगों को जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान हैं। अन्य जनपदों में अनुसूचित जनजाति में इन्हें जाति प्रमाण पत्र जारी हो रहा है, लेकिन कुशीनगर में तो SC में भी जारी हो रहा है और ना ही ST में। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन जनपदों में निवास करने वाले गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है, जिस पर भारत सरकार ने आयोग के अन्य सदस्यों के साथ इन्हें इस सिलसिले में जन सुनवाई करने और प्रशासन से वार्ता के लिए भेजा है। अधिकारियों से वार्ता के बाद उस पर कार्रवाई के लिए सरकार से बात की जाएगी। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसुईया उइके ने कहा, यहाँ प्रशासन शासन को करना है तो हम उसको भी नायक मान रहे हैं, असली नायक ट्राइबल को कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इनमें प्रशासन की तरफ से एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लगाया गया है जिसमें वो लिख कर सके कि ये ब्राह्मण है, ये सिर्फ बरबरली जैसे हैं, ये सिर्फ बरबरली करते हैं कि ये नायक है और इनको बाबा कहा जाता है, इनको लोग नमस्ते करते हैं, ये नमस्ते करने पर ये बाबा का जवाब देते हैं, फेक है वो सारी। ये कभी भी वो नहीं, ये जितने भी इन्होंने कोर्ट में भी डॉक्यूमेंट लगाए एक भी वही कंफ्यूजन के कारण आपको भी ये परेशानी हुई। उसमें जो शादी हुई है, जब ये सर्टिफिकेट दिए शादी के कार्ड जिनको मिला हुआ है उसमें चतुर्वेदी दुबे इनके साथ शादी हो रही है, आप बताइए इसको कैसे मानेंगे हम। मैडम इंटर शासन स्तर पे कहा कि जांच करिए, इसकी जांच करिए कि वास्तव में क्या है। मुस्लिम लड़की से भी शादी किए हुए हैं, हमारे पास कार्ड है और आप पे हम मतलब पुलिस विभाग में है, पूरी पेपर में भी निकला था, तो आप जो है वो भी रजिस्ट्री है ना। हाँ जी, और उनका जो राजस्व रिकॉर्ड है तो उससे पता लग जाएगा। कोई भी ब्राह्मण ये नहीं कह सकता है कि ये हमारे कास्ट में आते हैं और ये हमारे जात में शादी होती है, चाहे वो शुक्ला हो, चाहे तिवारी हो, चाहे वो चतुर्वेदी हो, चाहे दुबे हो। डिसीजन हुआ है, सुनिए तो आप, हाई कोर्ट का डिसीजन हुआ है, हाई कोर्ट ने वो आदेश को फिर से रिवर्स करके प्रशासन को स्क्रूटिंग कमेटी को आदेश किया। अब ये तथ्य को आपको वहाँ बताना है कि हम ओरिजिनल क्या है तो डिसाइड अब स्क्रूटिंग कमेटी करेगी हाई कोर्ट में, उसके लिए आपका प्रदेश का भी है कमेटी उसके, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जी मैम। जाति का निर्धारण ना कोई सरकार भी कर सकती, ना कमीशन भी नहीं कर सकता, और अगर वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि ये कमेटियों ने भी अगर आपके दस्तावेज या कोई भी तो व्यक्ति को अपील करने का वो है और उसके बाद वो हाई कोर्ट में भी फिर से जाएंगे, तो ये इस तरह की प्रक्रिया है। मैडम हम ये चाहते हैं कि शासन को थोड़ा सा आपके तरफ है, वो भी आएगा वहाँ पर, ये जाति का नोटिफिकेशन पार्लियामेंट में आ जाएगा तो आप वो करेंगे कि नायक को आप कौन कौन से नायक को आप ट्राइबल में मानेंगे, वो आप क्लियर हो जाएगा वो वाली बात। देखिए सरकार तो बहुत कुछ कर रही है और जहाँ तक यहाँ पर एक बात तो सबसे बड़ी समस्या है, जो जनजाति है आज जनजाति का उनको सर्टिफिकेट मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसके आधार पर ही उनका विकास संभव है, क्योंकि छात्रवृत्ति से लेकर जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, चाहे नौकरियों में हो या कुछ, तो आज बहुत सारे लोगों के जो सर्टिफिकेट में दिक्कतें हो रही है। और साथ में मैं समीक्षा करने भी आई हूँ यहाँ पर, 25 तारीख को जिला कलेक्टरों के साथ मीटिंग है मेरी बस्ती महाराजपुर गोरखपुर, और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्राइबल के लिए कितना बजट है और क्या यहाँ पर उनके विकास के लिए कार्य किए जा रहे हैं। साथ में हम जनप्रतिनिधियों से भी अभी मुलाकात करेंगे तो उनकी भी क्या समस्या है, उसका क्या समाधान किया जा सकता है। और यहाँ जाति को लेकर भी बड़ा मतभेद है, नायक ओझा और पटोरिया और ये जो धूरिया है गोंड है, इस पे भी लोगों का एक दूसरे को जो है शिकायत भी है कि असली में यहाँ नायक ब्राह्मण है
नायक ट्राइबल में भी आते हैं, तो असली ट्राइबल कौन है नायक में और दूसरा नकली ब्राह्मण कौन है, तो इसको लेकर भी काफ़ी कंप्लेंट हुई है। कोर्ट तक लोग पहुंचे हैं, कोर्ट से डिसीजन हुआ है और कोर्ट के डिसीजन के बाद उन्होंने फिर से कमेटी, जो स्क्रूटनी कमेटी छानबीन समिति कहलाती है, उसको रिफ़र कर दिया है कि वो समिति देखे कि वास्तव में इसमें नायक जो है ट्राइबल है या नहीं है उनके रिकॉर्ड के आधार पर। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर आज मेरे से प्रतिनिधि मंडल भी मिला है और निश्चित रूप से अभी चार जिला जो अभी ट्राइबल पहले SC था वो अब ST के लिए इसकी मांग थी कि वो ST हो जाए, जैसे 13 जनपद हुए हैं, तो उसकी भी रिपोर्ट हमने सौंप दी है और शायद इसी सत्र में पटल पे वो रखा जाएगा। तो जहाँ पर इन चार जिलों में जो SC को ST का दर्जा दिया जाएगा। गोर समाज की समस्या काफ़ी दिनों से लड़ रहा है, अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र तो कहीं तो उनको मिल जाता, कहीं नहीं मिलता। इसी बात को लेकर हमने कलेक्टरों को बुलाया है, मीटिंग कर रही हूँ मैं, और कई जगह कुशीनगर हुआ, मऊ आपका, बलिया, आजमगढ़ आपका, जौनपुर, चंदौली, इन तमाम जिलों में मैंने मीटिंग लिया है। तो कई जगह तो जारी शुरू हो गए हैं और कई जगह जो लेखपाल और तहसीलदार के द्वारा जानबूझकर उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, कई जगह निरस्त भी किया जा रहा है। तो इसको लेकर मैंने मीटिंग बुलाया है 25 को। तो जो भी समस्या है इस संबंध में हम शासन को अवगत कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को भी मैं अवगत कराऊंगी कि अगर जिनके सबूत हैं, जिनके पास दस्तावेज हैं और सब मिलते हैं तो उनको क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस तरह से अगर आज पूरे उत्तर प्रदेश में सेंसेक्स जो बताता है कि 11,73,000 ट्राइबल हैं, अगर पूरा अगर वास्तव में उसका सर्वे अगर किया जाए ओरिजिनल तौर पर तो 1 करोड़ के ऊपर मिलेंगे। तो बजट का भी प्रावधान केंद्र सरकार उसी आधार पर करती है, तो बजट का ST का परसेंटेज कम है, 1% के आधा परसेंट के लगभग माना जाता है। तो उसके कारण भी यहाँ बहुत सारे लोगों की आज छात्रवृत्ति पैसा नहीं आया है। तो हमने अभी शासन केंद्र सरकार को, हमने मंत्री को भी और आपके सेक्रेटरी को कहा है अगस्त सितंबर में वो पैसा आ जाएगा। तो ये पहल हमारा आयोग के तरफ से हम लोग कर रहे हैं जितना हो सकता है उत्तर प्रदेश में जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको और भी अच्छे ढंग से उनका आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक दृष्टि से और आगे कैसे बढ़ाया जाए, ऊंचा किया जाए। तो समय समय पर हम इसकी समीक्षा करके और केंद्र सरकार को लिखते हैं।